क्लास 12th एमपी बोर्ड का आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो एक एमपी बोर्ड एग्ज़ाम कराता है या नहीं, पर यदि हम ना सरकमस्टेंस देखें ना, तो हमको समझ ये आता है कि एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। पर एमपी बोर्ड क्या डिसीजन लेता है ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम सीबीएसई का देखें ना, तो सीबीएसई में जनरल प्रमोशन हो गया है ना, मतलब कैंसिल हो गए, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, इसलिए अब उनको प्रमोट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस पे या किसी भी बेस पे। ठीक है, वो ठीक है, उनका सीबीएसई का हो गया। पर हम जब बात करें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में क्या है कि एग्ज़ाम का पहले से ही पेपर डिसाइड कर लिए हैं, सारी चीज़ें पहले से ही हो गई हैं, सब कुछ डिसाइडेड है, बस अनाउंसमेंट बाकी था। अब इस बीच जब सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट उठता है कि एमपी बोर्ड इस सिचुएशन में क्या करता है। दबाव तो एमपी बोर्ड के ऊपर होगा कि वो भी कैंसिल कर दे एग्ज़ाम को, तो कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू एग्ज़ाम होने में, मतलब आप सेंटर पे जाके देंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। पर ये बात तय है कि आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आज वेडनेसडे है, 2nd of June है आज, सो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे भी डिसीजन आएगा। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे सभी के पास ये अपडेट पहुंच जाए और सभी थोड़े से अवेयर हो जाएं कि आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा और फिर हमको क्या लेना। हाँ, एक बात और, यदि एग्ज़ाम होते हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो डिसीजन लिया गया उसका सम्मान करते हुए अपनी तैयारी करना है ना। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो कैंसिल होने के ही।